हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल फैंटेसी ड्रीम 11 टीवी। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वीवो प्रो कबड्डी लीग के 53rd मैच के बारे में, जो कि होने वाला है बिटवीन बंगाल वॉरियर्स वर्सेस पटना पायरेट्स के बीच में। तो मैच के बारे में आगे बात करें, उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं इस मैच के बारे में। तो जैसा कि ये मैच है बंगाल वॉरियर्स वर्सेस पटना पायरेट्स के बीच में, जहां तक बात करी जाए इस मैच के वेन्यू की, तो ये होने वाला है न्यू नेहरू इंदौर स्टेडियम जो कि न्यू दिल्ली में है। अब बात करें इन दोनों ही टीम्स के पिछले ईयर की परफॉर्मेंसेस की बात करी जाए, तो जहां पिछले सीजन पटना पायरेट्स अपने 22 मैचेस में से सिर्फ और सिर्फ 9 ही मैच विन किए थे और 11 मैच लूज किए थे। जहां बात करी जाए बंगाल वॉरियर्स की, तो पिछला सीजन उनका बेहतरीन रहा था कंपेयर टू पटना पायरेट्स, जहां उन्होंने अपने पिछले सीजन के 22 मैचेस में 12 मैच विन किए थे और 7 मैच लूज किए थे। अब सीजन 7 की इन दोनों ही टीम्स की परफॉर्मेंसेस की बात करी जाए, तो जहां बंगाल वॉरियर्स पॉइंट्स टेबल पे 3rd रैंकिंग पे है, जहां उन्होंने अपने 8 मैचेस में 4 मैच में विन हासिल किया है, 2 मैच में लूज और 2 मैच उनके ड्रॉ रहे हैं। वहीं बात करी जाए पटना पायरेट्स की, तो उनका परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब चल रहा है, जहां वो पॉइंट्स टेबल पे 11th रैंकिंग पे हैं, जहां उन्होंने अपने 8 मैचेस में 3 मैचेस में विन हासिल किया है, 5 मैच वो हारे हैं। अब दोनों ही टीम्स की हम स्क्वाड के बारे में बात कर लेते हैं। तो जहां हम पहले बात करते हैं पटना पायरेट्स के स्क्वाड के बारे में, तो जहां उनके स्क्वाड में आशीष, जैंग कुनली, मोहम्मद इस्माइल, मोहित, मोनू, नवीन, प्रदीप नरवाल जो कि इनके कैप्टन एज वेल एज इनके मेन रेडर भी हैं, फिर पूर्ण सिंह, राजवीर सिंह, महेंद्र, फिर नीरज कुमार, जयदीप जो कि इनके मेन डिफेंडर हैं इनकी टीम के, जवाहर डागर, अमित कुमार, हार्डी, रविंद्र कुमार, फिर शाहिल और विकास जागलान। तो ये हो जाता है इनका कम्प्लीट स्क्वाड। अब जहाँ तक बात करी जाए इनके सीजन 7 की परफॉर्मेंसेस की बात करी जाए, तो जहाँ अभी तक इन्होंने सीजन 7 में अपने 8 मैच खेले हैं, जिसमें से इन्हें 3 मैचेस में जीत हासिल हुई है और 5 मैच वो अपने हारे हैं। जहाँ तक बात करी जाए इनके पिछले मुकाबले के बारे में, तो ये अपना पिछला मुकाबला हार गए थे अगेंस्ट यू मुंबा। जहाँ तक बात करें उस मैच में जो इनका लूजिंग मार्जिन था वो था 34-30 का। जहाँ तक बात करी जाए उस मैच में इनके जो टॉप परफॉर्मर थे उसमें प्रदीप नरवाल जिन्होंने 6 रेड पॉइंट लिए थे, मोहम्मद इस्माइल जो कि इनके काफ़ी बेहतरीन रेडर हैं इन्होंने 6 रेड पॉइंट लिए थे, और जैन कुनली जिनका परफॉर्मेंस हालांकि इतना बेहतर नहीं है इन्होंने 2 रेड पॉइंट और 1 बोनस पॉइंट लिया था। अब इनकी टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बात कर लेते हैं, तो जहां इनकी टीम का स्ट्रेंथ है इनका रेडिंग डिपार्टमेंट, जहां इनके रेडर्स में प्रदीप नरवाल, मोहम्मद इस्माइल, जैन कुनली जैसे काफ़ी एक्सपीरियंस्ड इनके रेडर्स हैं। वहीं बात करी जाए इनके वीकनेसेस की, तो इनका जो सबसे बड़ा वीकनेस ये है कि इनकी टीम पूरा डिपेंड करती है प्रदीप नरवाल के परफॉर्मेंसेस पे। अगर प्रदीप नरवाल किसी दिन नहीं चलते तो इनका टीम डेफिनेटली उस मैच को लूज करती है। जहां तक बात करी जाए इनके दूसरे वीकनेस की, तो इनका दूसरा वीकनेस ये है कि इनका डिफेंडर सेक्शन काफ़ी कमजोर नजर आता है। जैसा कि इनके जो मेन डिफेंडर थे सुरेंद्र नाडा इंजरी के कारण वो सीजन 7 से बाहर हो चुके हैं, तो इनका डिफेंडर सेक्शन काफ़ी वीक नजर आता है कंपेयर टू अदर टीम्स। बात कर लेते हैं इनके स्टार्टिंग 7 के बारे में जो इस मैच में खेल सकती है, तो इनकी टीम में कुछ ज्यादा चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। जहां बात करें इनके स्टार्टिंग 7 के बारे में, तो उसमें हार्डी, जयदीप, जैन कुनली, नीरज कुमार, प्रदीप नरवाल, मोहम्मद इस्माइल और विकास जागलान इनके स्टार्टिंग 7 का पार्ट हो सकते हैं। अब बात करी जाए इनके टॉप परफॉर्मर के बारे में, तो जहां बात करें प्रदीप नरवाल ने अभी तक अपने 8 मैचेस में 65 रेड पॉइंट्स लिए हैं और 7 बोनस पॉइंट लिए हैं। वहीं बात करें मोहम्मद इस्माइल की, तो इन्होंने 15 रेड पॉइंट, 4 टैकल पॉइंट और 5 बोनस पॉइंट ले चुके हैं अभी तक। हार्डी की बात करी जाए तो उन्होंने 1 रेड पॉइंट, 12 टैकल पॉइंट और 2 बोनस पॉइंट ले चुके हैं। नीरज की बात करें जो कि इनके एक और बेहतरीन डिफेंडर हैं, इन्होंने 19 टैकल पॉइंट्स और 1 बोनस पॉइंट लिया है। जयदीप की बात करी जाए जो कि इनकी टीम के मेन डिफेंडर हैं, इन्होंने अभी तक लिए हैं 26 टैकल पॉइंट्स और 2 बोनस पॉइंट। अब एक्स फैक्टर की बात करी जाए जो कि आपके लिए आपके ड्रीम 11 अगर आप लोग ग्रैंडली खेल रहे हैं तो उसमें काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आप लोग जैन कुनली को ट्राई कर सकते हैं। जैसा कि हालांकि इनका परफॉर्मेंस अभी तक इस सीजन में इतना बेहतरीन नहीं रहा है, बट ये काफी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं, तो आप लोग ग्रैंड लीग की टीम में इन्हें अपना कैप्टन या वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बंगाल वॉरियर्स के स्क्वाड के बारे में, तो जहां उनके स्क्वाड में मनिंदर सिंह जो कि इनके कैप्टन एज वेल एज इनकी टीम के मेन रेडर हैं, फिर दूसरे प्लेयर्स की बात करी जाए तो प्रपंजन जो कि इनके एक और बेहतरीन रेडर हैं, फिर मोहम्मद तागी, राकेश नरवाल, रविंद्र रमेश, सुकेश हैगड़े, नवीन नरवाल, विजिन, अमित, बलदेव सिंह जो कि इनके डिफेंडर सेक्शन में काफ़ी बल्किंग में स्कोर कर रहे हैं, फिर उसके बाद जीवा कुमार, विराज,
आदर्श, धर्मेंद्र सिंह, रिंकू नरवाल, फिर आमिर धूमल, अविनाश, इस्माइल नबी बख्श जो कि इनके काफ़ी बेहतरीन ऑलराउंडर हैं और इस सीज़न अपने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इन्होंने अपने फर्स्ट ही सीज़न सेवन में ये पहली बार खेल रहे हैं और इनका इस सीज़न काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है अभी तक। फिर उसके बाद सौरभ पाटिल और सुनील दुबैल, तो ये हो जाता है इनका कंप्लीट स्क्वाड। अब जहाँ तक बात करी जाए इनके टीम की सीज़न सेवन की परफॉर्मेंसेस की बात करी जाए तो जहाँ इन्होंने सीज़न सेवन में अभी तक खेले हैं अपने टोटल 8 मैचेस, जिसमें से 4 मैचेस में ये विन हासिल किया है और 2 मैचेस में इनको हार का सामना करना पड़ा है और इनके 2 मैच ड्रॉ रहे हैं। अब इनके पिछले मैच की बात करी जाए तो इनका पिछला मैच था अगेंस्ट दबंग दिल्ली, जहाँ इन दोनों ही टीम्स के बीच में ड्रॉ रहा था 30-30 के पॉइंट से। जहाँ बात करें उस मैच में जो इनके टॉप परफॉर्मर थे उसमें पंजन, जैसा कि पिछले 4-5 मैचेस से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इन्होंने 7 रेड पॉइंट और 3 बोनस पॉइंट लिया था। जीवा कुमार की बात करी जाए जो कि इनके डिफेंडर सेक्शन से काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, इन्होंने 3 टैकल पॉइंट और 1 बोनस पॉइंट लिया था। और नवी बख्श की बात करी जाए जो कि इनके ऑलराउंडर सेक्शन के काफ़ी बेहतरीन प्लेयर हैं, इन्होंने 3 रेड पॉइंट लिया था। हालांकि जो इनके कैप्टन है मनिंदर सिंह, इनके पिछले 2-3 मैचेस से जो परफॉर्मेंस रहा है वो काफ़ी डाउन हो रखा है। तो आप लोग चाहे तो अगर ग्रैंड लीग की टीम में आप लोग मनिंदर को छोड़ के उनकी जगह किसी और प्लेयर्स को भी ट्राई कर सकते हैं, जिससे आपकी टीम का कॉम्बिनेशन काफ़ी डिफरेंट हो सकता है। अब इनकी टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बात कर लेते हैं तो जहाँ इनकी टीम का स्ट्रेंथ है इनके डिफेंडर एज वेल एज इनके रेडर सेक्शन, जहाँ इनके डिफेंडर्स में रिंकू नरवाल, बलदेव सिंह, जीवा और लांगड़े जैसे काफ़ी एक्सपीरियंस और काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, वहीं बात करें इनके रेडर सेक्शन में जैसा कि आप देख सकते हैं मनिंदर सिंह, प्रापंजन और नबी बख्श जैसे काफ़ी एक्सपीरियंस और स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं। अब जहां तक बात करी जाए इनकी टीम के वीकनेसेस की तो ऐसा कुछ इनका वीकनेस नहीं है। जो इनका मेन वरीसम जो वीकनेस है वो ये है कि इनके पास कोई प्रॉपर एक्सपीरियंस्ड रिप्लेसमेंट नहीं है। इनकेस अगर इनका कोई प्लेयर मिस हो जाता है तो इनके पास एक्सपीरियंस्ड रिप्लेसमेंट के तौर पे कोई प्लेयर नहीं है। अब बात कर लेते हैं इनके स्टार्टिंग सेवन के बारे में तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करने वाली अपनी टीम में, जहाँ इनके स्टार्टिंग सेवन में मनिंदर, प्रपंजन, विष्णु लांगड़े, जीवा कुमार, बलदेव सिंह और नबी बख्श और रिंकू नरवाल होने वाले हैं। अब इनके टॉप परफॉर्मर की बात करी जाए तो जहां मनिंदर सिंह ने अभी तक 47 रेड पॉइंट्स, 2 टैकल पॉइंट्स और 11 बोनस पॉइंट ले चुके हैं, नबी बख्श की बात करी जाए तो इन्होंने 38 रेड पॉइंट्स, 18 टैकल पॉइंट्स और 6 बोनस पॉइंट ले चुके हैं। बात करी जाए बलदेव सिंह जो कि इनके डिफेंडर के काफ़ी बेहतरीन प्लेयर हैं, इन्होंने 24 टैकल पॉइंट्स और 3 बोनस पॉइंट ले चुके हैं। वहीं बात करी जाए रिंकू की जो कि इनके एक और बेहतरीन डिफेंडर हैं, इन्होंने अभी तक 20 टैकल पॉइंट्स ले चुके हैं। प्रापंजन की बात करी जाए तो जैसा कि आप इनके स्टैट्स देख सकते हैं इन्होंने इस सीज़न काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है और अगर आप लोग ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो मे बी एक टीम में इन्हें कैप्टन बना सकते हैं। तो इन्होंने अभी तक 40 टैकल रेड पॉइंट्स, 3 टैकल पॉइंट्स और 11 बोनस पॉइंट ले चुके हैं। एक्स फैक्टर की बात करी जाए तो इनकी टीम से जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो होने वाले हैं प्रापंजन। अब हमारे प्रिडिक्शन की बात करी जाए तो जैसा कि बंगाल वॉरियर्स का ये सीज़न चल रहा है मे बी इस मैच को बंगाल वॉरियर्स ही जीत सकती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारी ड्रीम 11 टीम के बारे में। तो टीम मैंने बना रखी है, हालांकि हमारी फाइनल टीम नहीं होगी, जो हमारी टीम होगी वो आपको फाइनल टीम हमारे टेलीग्राम के चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम बात करते हैं हमारी पहली टीम की। तो पहली टीम में हमने 3 डिफेंडर्स लिए हैं, जिसमें हमने बलदेव सिंह को लिया है, जयदीप को लिया है और नीरज कुमार को लिया है। आप लोग चाहें तो बलदेव सिंह की जगह रिंकू एज वेल एज हार्डी में से किसी को ट्राई कर सकते हैं, बट बलदेव काफ़ी एक्सपीरियंस और काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं सीजन सेवन में, तो हम उनके साथ जा रहे हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में हम सिर्फ एक ही प्लेयर के साथ जा रहे हैं, आप लोग चाहें तो जागलन को ट्राई कर सकते हैं, तो बट हम जो ऑलराउंडर सेक्शन में नबी बख्श के साथ ही जाना बेहतरीन समझ रहे हैं। रेडर सेक्शन की बात करें तो इसमें हमने एक चेंज किया, ये किया है कि हमने प्रदीप नरवाल को मिस करके उनकी जगह जो 3 सबसे कम क्रेडिट और बेहतरीन प्लेयर हो सकते थे उसमें हमने मनिंदर सिंह, प्रपंजर और इस्माइल को ट्राई किया है। आप लोग चाहें तो नरवाल को ले सकते हैं बट आपको काफ़ी क्रेडिट इश्यूज हो सकते हैं। तो हमारी पहली टीम का प्रीव्यू कुछ इस तरह से हो जाता है, जहां हमने कैप्टन प्रपंजन को बनाया है और वाइस कैप्टन नबी बख्श को बनाया है। आप लोग चाहें तो नबी बख्श को अपना कैप्टन बना सकते हैं या प्रपंजन को अपना वाइस कैप्टन बना सकते हैं। इस टीम में अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप लोग ये कर सकते हैं कि मनिंदर सिंह की जगह जैन कुल्ली को भी ट्राई कर सकते हैं, जिससे आपका एक क्रेडिट सेव हो जाता है और एक क्रेडिट में आप एक और अच्छे बेहतरीन प्लेयर को ले सकते हैं, जैसा कि आप हार्डी को ट्राई कर सकते हैं। तो हमारी पहली टीम का कुछ इस तरह से प्रीव्यू हो जाता है। बात करी जाए हमारे सेकंड टीम की प्रीव्यू की, तो सेकंड टीम में बात करें हमारे रेडर्स डिफेंडर सेक्शन में तो हमने 3 प्लेयर लिए हैं, जिसमें बलदेव,
नीरज कुमार और विष्णु लांगड़े को लिया है। ऑलराउंडर सेक्शन में हम नबी बक्स के साथ ही जा रहे हैं और रेडर सेक्शन में इसमें हमने मनिंदर को मिस किया है, जैसा कि उनके पिछले 2-3 मैचेस का परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रहा है। तो हमने जो 3 रेडर्स लिए हैं उसमें हमने नरवाल, प्रापंजन और इस्माइल को लिया है। आप लोग चाहें तो जैन कोहली को भी ट्राई कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको 0.5 का क्रेडिट मैनेज करना पड़ेगा। तो दूसरी टीम में हमने कैप्टन के तौर पर नरवाल को बनाया है हमारा कैप्टन, और वाइस कैप्टन नबी बख्श को बनाया है। आप लोग चाहें तो प्रपंजन को भी अपना कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, ये भी काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन है। तो ये हो जाता है हमारा कंप्लीट एनालिसिस। दिस इज ऑल फ्रॉम अस। थैंक यू, गुड बाय।